नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता ठाकुर। मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर तत्काल पहुंचे आप तक। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। पथरिया मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत केवलारी से कोड़ामणि तक जाने वाले रास्ते की पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सड़क और पुलिया करीब 4 वर्ष पहले बनाई गई थी। बता दें कि यहां पर इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है, जो पुलिया टूट जाने के बाद यहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है और इसी जलमग्न नाले से पैदल पार करते हुए सड़क के इस ओर से उस ओर जाना होता है। यहाँ के ग्रामीणों को पथरिया या फिर बंडा जाने के लिए इस नाले में से होकर गुजरना होता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस नाले में से बच्चों के बह जाने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तो वहीं ग्राम में आटा चक्की या बिजली जैसी सुविधा ना होने के कारण अन्य दूसरे गांव आटा पिसवाने या फिर किराना सामग्री लेने जाना पड़ता है, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है एवं जान के खतरे का जोखिम उठाते हुए यह सड़क पार कर एक गांव से दूसरे गांव को जा पाते हैं। ये आप कहां के निवासी? कोणरमड़ी के। इसके अलावा आपके गाँव के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं? यही रास्ता था। तो अब कैसे आवागमन कर रही हैं आप लोग, कैसे आ जा रही हैं? अब पुल बनवाना पड़ेगा जब तुम आएंगे। परेशान अभी कैसे आती है? नदी में हो आती है। नदी में से आना? हाँ। हम लोगों को अगर पानी और बारिश हो जाएगी तो हम लोग को हफ्तों से बारिश हो जाएगी तो हम हफ्तों से भूखों मरेंगे, बाल बच्चे भी मरेंगे भूखों प्यासों और दुखी होंगे पूरे। अगर बीमार है तो वहीं मर जाएंगे, कोई अस्पताल जाने का कोई चांस नहीं हम लोगों को। कहाँ के निवास? हम लोग कोणामणि के। सर क्या नाम लिखते हैं? ब्रजे सहरवाल। ये पुलिया कब टूटी? पुलिया टूटी आज 6 दिन हो गए, इसमें कोई सरिया नहीं था, मट्टी मट्टी है। तो ये डैम बनवाया है, उसने दोनों कुएं खोद दे, उसके नीचे नीचे से धार आई, पानी से मट्टी खिसक गई, उससे पुलिया टूट गई। इसमें सरिया नहीं लगा? इसमें एक भी सरिया नहीं है। कब बनाई गई थी पुलिया? आज कम से 2019 में। 2019 में? हाँ। तो आप लोगों के गाँव में आवागमन के लिए इस सड़क के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है कहीं से भी? अगर आपकी पंचायत को जाना हो तो वहाँ तक कैसे पहुँच पाते हैं? हम लोग रास्ता हम लोगों को जाई है, कहीं हो नहीं जा सकते। ये नदी है उस पार नदी है। आप लोगों फिर इसी में से आवागमन कर? इसी में अभी आवागमन कर ही रहे ना हम लोग। जब से पुलिया टूटी कैसे आवागमन कर रहे हैं? इतना में कोई एक एक दो दो आदमी जब मुसीबत आती है, भूखों प्यास मर रहे तो कहीं से कहीं बच्चों को अपने खाने के लिए तो ले जाते हैं। आप लोगों के बीच में कोई जनप्रतिनिधि, कोई नहीं? हम लोग कोई नहीं आया सर। ना जनप्रतिनिधि किसी, कोई नहीं आया बिल्कुल खबर लेने के लिए। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। क्या नाम है आपका? नंदराम आठिया। कहाँ के निवासी? केवलारी। क्या समस्या है आप लोगों? अब भाई साहब जैसे बंडा यहाँ से हमारों को रास्ता है बंडा जाने का, तो जैसे अब बंडा जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं बचा जाने को। जैसे कोई यहाँ से कोई पढ़ाने जाता है, कोई काम काज को जाता है, तो कोई साधन नहीं यहाँ से निकलने को। और ये जो कोणामणि के लोग हैं इनके लिए आवागमन के लिए कोई रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं इसके अलावा, नदिया ही है, नदिया पार करके आओ। अगर कोणामणि में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं? कोई रास्ता नहीं। फिर तो जब तक वो पेशेंट की जान ही निकल जाए जब तक वो पथरिया पहुंचे, कम से कम ज़्यादा नहीं 30 किलोमीटर का फासला हो जाते हैं। यहाँ से सायपुर जाना पड़े है, तो सायपुर से फिर पथरिया आना पड़े है, या यहाँ से जो है तो केरबना पे से जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं। एक रास्ता और था यहाँ से सेमरा पुल, उस सेमरा पुल भी टूटा पड़ा है। ये पुलिया कब बनाई गई थी? ये पुलिया भाई साहब 4 साल पहले बनाई गई थी। 4 साल पहले पुलिया बनाई गई थी। आप लोगों के बीच में कभी कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी आप लोगों की यह दशा देखने आया? नहीं, कोई नहीं आया भाई साहब। आप लोगों ने शिकायत की थी इसकी कहीं पर? नहीं, अभी कोई से कहीं शिकायत नहीं है। अभी कहीं शिकायत नहीं की? आपके यहाँ पटवारी या फिर कोई अधिकारी जनपद से सरपंच अन्य कोई इसके लिए कोई कदम उठाया? नहीं नहीं, कोई कदम कुछ कोई नहीं आया भाई साहब। देख वे कोई भी नहीं। ये है कि हमारी ये पंचायत के लोग हैं तो पंचायत नहीं आ पा रहा, प्लस में एक प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति यहाँ के हैं ना तो स्कूल खुल पा रहे हैं और ना ही किसी को खाने की भी चीज़ चाहिए तो वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर नदी आ जाए तो कहाँ से जाएं। ये जो पुलिया है ये लगभग कितने वर्ष पहले बनी थी? वही 4-5 साल के समथिंग समथिंग होगा। 4 साल पहले? जी बिल्कुल। तो कोणामणि
कौन सी पंचायत के अंतर्गत? सेमरा लखरौनी से। तो ये पंचायत मुख्यालय के लिए पहुंचने के लिए कोई अन्य कोई साधन है? कोई साधन नहीं है, कहीं से पंचायत पहुंच ही नहीं सकते। और अगर आपको पथरिया जाना है तो अन्य कोई रास्ता है? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। है तो वो कम से कम 30-40 किलोमीटर का राउंड लगा के जाना पड़ेगा, तो वो भी वहाँ भी यहाँ इतने इतने हफ्ते हुए जाएंगे। और नाला वहाँ से रास्ता नहीं आ जाता है, और कहीं रास्ता है ही नहीं है। आपके बीच में कोई जनप्रतिनिधि, विधायक या कोई? नहीं, अभी तक तो किसी ने खबर ही नहीं ली है। अभी तक यहाँ का कोई है ही नहीं है पता कि ये गाँव है भी कि नहीं है। आपके बीच कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं, कुछ लोग तो भूखे बैठे हैं। क्या नाम लिखते हैं? राजेंद्र अग्रवाल, सेमरा हजारी। सेमरा हजारी के जी।